Good morning students. Hope you are well. This is your science class and today I'll explain you chapter 3 From Tasting to Digesting. You know, tasting is a sense in which our tongue sends the taste of any food item and sends the message to our brain. And brain memorizes the taste. And next time, when we taste the food item, we will recognize the food item without saying it. This is because our brain memorized the taste of that food item. Here, a story is given. A story of two sisters, Jhulan and Jumpa. By studying this story, we will know about sense of tasting and how it works. We will know about different type of taste. Let's start. Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, Ma, I am not going to eat this bitter karela. बिटर गोल्ड झुम्पा दौड़ते हुए किचन में आती है और अपनी माँ को पकड़कर कहती है माँ मैं ये करेला नहीं खाऊंगी ये कड़वा करेला मैं नहीं खाऊंगी गिव मी गुड़ एंड रोटी मुझे गुड़ और रोटी देना माँ स्माइल एंड सेड माँ इस्माइल करती है और कहती हैं यू एट रोटी एंड सुगर इन द मॉर्निंग तुमने मॉर्निंग में भी रोटी चीनी के साथ खाई थी झूलन टीस्ड झुम्पा झूलन जो झुम्पा की सिस्टर है वो उसे चिढ़ाती है और कहती है डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट तुम एक ही तरह के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती हो झुम्पा रिप्लाइड क्विकली झुम्पा तुरंत ही उत्तर देती है डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टैमदिंड क्या तुम बोर हो जाती हो इमली खाने से आई बैट यू माउथ इज वॉटरिंग जस्ट बाई हियरिंग द वर्ड इमली तुम्हारे मुंह में इमली का नाम सुनकर ही पानी आ गया होगा श्योर आई लव द शोर इमली हाँ मुझे खट्टी इमली पसंद है बाई बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू लेकिन मैं स्वीट और सॉल्टी थिंग्स भी खाती हूँ आई इवन ईट करेला और मैं यहाँ तक कि करेला भी खाती हूँ सेठ झूलन झूलन ने कहा एंड लुकड एट हर मदर और अपनी मोम की तरफ देखा दे बोथ लाव्ड हार्टली और दोनों मुस्कुराए झूलन से टू झुम्पा झूलन झुम्पा से कहती है लेट्स प्ले अ गेम चलो एक गेम खेलते हैं यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ अपनी आंखें बंद करो और मुंह खोलो आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी तुम्हारे मुंह में यू हैव टू टेल वॉट इज इट और तुम्हें पहचानना होगा कि ये क्या है झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ झूलन ने लेमन जूस की कुछ बूंदें स्पून में ली और झुम्पा के माउथ में डाली सोर लेमन झुम्पा रिप्लाइड क्विकली झुम्पा तुरंत ही आंसर करती है कि खट्टा नींबू है झूलन दैन आई स्मॉल पीस ऑफ जगरी अब झूलन ने एक गुड़ का टुकड़ा उठाया मदर सजेस्टेड उसकी मदर सजेस्ट करती है क्रश इट इसे पीस दो बारीक कर दो अदरवाइज शी विल नो वॉट इट इज वरना इसे पता चल जाएगा कि ये क्या है झूलन क्रस्ड द जैगरी झूलन ने जैगरी यानी गुड़ को क्रश कर दिया बट झुम्पा इजिली इट लेकिन फिर भी झुम्पा ने उसे आसानी से पहचान लिया दे प्लेट द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स वो कई सारे फूड आइटम्स के साथ ये गेम परफॉर्म करते हैं झुम्पा को टेल द फ्राइड फ़िश इवन बिफोर टेस्टिंग इट झुम्पा फ्राइड फ़िश को तो बिना टेस्ट किए ही पहचान लेती है उसने उसे टेस्ट भी नहीं किया उससे पहले ही बता दिया कि फ्राइड फिश है झूलन से नाउ क्लोज़ द नोज क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने फ्राइड फ़िश की स्मेल से ही उसे पहचान लिया तो इस बार झूलन ने कहा अब तुम्हें नोज़ भी क्लोज़ करनी होगी और तब मुझे बताना होगा झुम्पा वाज कन्फ्यूज़ड इस बार झुम्पा कन्फ्यूज़ हो जाती है इट इज़ अ बिट बिटर ये थोड़ा सा कड़वा है अलिल सॉल्टी थोड़ा सा नमकीन है एंड समवाट सोर और थोड़ा सा खट्टा भी है गिव मी वन मोर स्पूनफुल मुझे एक चम्मच और चाहिए तभी मैं बता सकती हूँ एक चम्मच और मुझे दो झूलन टुक अनोदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला झूलन एक स्पून में पका हुआ करेला लेती है अनकवर्ड झुम्पाज आइज़ और झुम्पा की आइज़ को खोल देती है एंड सेड और कहती है हेयर इट इज़ ईट ये देखो ये रहा अब खाओ झुम्पा लाफ्ट झुम्पा हंसती है यस गिव मी मोर मुझे और दो हाँ मुझे और चाहिए हाँ पर क्या होता है नोज़ क्लोज करने के बाद उसे स्मेल भी नहीं आती और वो बिटर गोल्ड यानी करेला खाने के लिए मना कर रही थी लेकिन फिर भी वो खा लेती है क्योंकि उस वक्त उसे स्मेल नहीं आती है उसकी खुशबू नहीं आती है वो पहचान भी नहीं पाती है कि करेला है और इस तरह से खेल खेल में उसकी सिस्टर ने उसे करेला भी खिला दिया और वो और भी खाने के लिए मांगती है क्वेश्चन राइज होता है कि झूलन के मुंह में पानी क्यों आ जाता है इमली का नाम सुनकर क्या तुम्हारे मुंह में भी कुछ टेस्टी आइटम को सोच करके पानी आ जाता है ये क्या होता है क्यों होता है ऐसा झुम्पा कैसे पहचान लेती है कि उसे क्या खिलाया गया है फूड आइटम्स को वो हम कैसे पहचानते हैं जब भी हम कोई फ़ूड आइटम खाते हैं तो हमारा ब्रेन उसकी स्मेल को और टेस्ट को लर्न कर लेता है कोई भी फूड आइटम है उसे हम टेस्ट से और इसमेल से पहचानते हैं जो जूसेस हैं वो सब स्वीट हैं थोड़े सॉर हैं लेकिन उनकी जो स्मेल होती है वो उन्हें डिफ्रेंशिएट करती है हम उसे अलग पहचान लेते हैं कि ये एप्पल जूस है या फिर ये मैंगो जूस है बनाना जूस है क्योंकि जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनका टेस्ट भी होता है उनकी स्मेल भी होती है तो हमारा ब्रेन उस फूड आइटम के टेस्ट और स्मेल को भी स्मेल को लर्न कर लेता है और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम उसे खाते हैं या फिर हम और जब कोई टेस्टी फूड आइटम हम स्मेल करते हैं या याद करते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमें सजेस्ट किया जाता है कि नोज़ क्लोज कर लो वो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम मेडिसिन को खाएंगे तो सिर्फ टेस्ट तो कड़वा होगा लेकिन वो मेडिसिन वाली स्मेल नहीं आएगी जिससे हमें हम आसानी से उस मेडिसिन को ले पाते हैं Hope you understand the chapter. Read the chapter carefully. Thank you. Have a nice day.